जी ने भेजा है, इनका सवाल है वोडाफोन आइडिया पर। 200 शेयर्स 12 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है और इस वक्त देखेंगे स्टॉक लगभग करीब 8-6 रुपए के पास इस आ चुका है। आज वैसे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है बट नुकसान तो हो रहा है इनको, करीब करीब 1200 का नुकसान इस वक्त इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। कुणाल क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे सवाल हमें आते हैं वोडाफोन आइडिया येस बैंक जैसे स्टॉक पर, जहां पर कि छोटा स्टॉक है, छोटे अमाउंट का स्टॉक है तो क्वांटिटी में शेयर ले लेते हैं लेकिन फायदा उनको दिखता नहीं है यहाँ पर। उसके बाद क्या करें, निकल जाएं स्टॉक से और दूसरा कोई स्टॉक इनको सुझाइए जहां पर इन्हें निवेश करना चाहिए। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूजा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है इस काउंटर में, और इनफैक्ट बाइंग जो होगी वो 7 रुपए के ऊपर ही दिखेगी। मोमेंटम तो भी अभी ऊपर हो पाएगा, एज ऑफ नाउ इस काउंटर में कोई नया मोमेंटम बनना डिफिकल्ट है। सो डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा एग्जिट करने की सलाह होगी, बट एट द सेम टाइम अगर बाइंग करना है तो मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक, बिकॉज वो कम प्राइस पे मिल रहा है, और पीएसयू बैंकिंग में ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन प्रीवियस ब्रेकआउट पे हो रहा है। सो इस पे नजर रखें, अगर ये काउंटर 24 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। इसका टारगेट लंबी अवधि का करीब करीब 28 से 29 रुपए का बनेगा। हम इसे रिविजिट करते रहेंगे हमारे रेगुलर शोज में, बट फॉर टाइम बीइंग वोडाफोन से निकल के ध्यान रखिए, आईओबी में 24 के ऊपर बाइंग की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22.5।